स्वाति, थैंक यू सो मच टू इट। हाँ सर, सही बोला आपने। ऑब्वियसली यार, कम ऑन, प्यार मोहब्बत सब धोखा है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, कुछ बन जाओगी। हाय 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 हाय। तो गाइस, एम आई मेकिंग सेंस टू यू? प्लीज टिकटॉक पर लाइव आना। ओके ओके। सो गाइस, अब मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है कुछ फेस करने में, मतलब कुछ भी आप नहीं कर पाते हैं, सो प्लीज टेल मी, आई एम गोना हेल्प यू आउट हियर। सर आप टिकटॉक अच्छा बनाते हो। ओके थैंक यू। हाय गाइस, हाय स्वाति, हाय हाय हाय। आई एम गोना कम लाइव ऑन टिकटॉक एज वेल। आई विल मेक श्योर, आई विल। व्हाट इज दिस भाई? मैंने वो वाला रोडीज देखा था जिसमें आपके, मैं स्पिट वाला था गाइस। ओके से माय नेम सोनिया। हाय सोनिया, हाय। यस ओके। सो गाइस, आस्क मी एनीथिंग, व्हाटएवर यू फील लाइक, टेल मी, आई एम गोना बी देयर। समवन प्रपोज्ड मी एज अभिषेक मलिक, प्लीज से नो। ओके ओ माय गॉड सर, आपने मेरा नाम लिया। यस यस यस। अच्छा तो गाइस, मैं एक और टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक आप सब लोग जानते हैं इस बारे में। एंड गाइस प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली ऑन दिस। आपने बॉयज लॉकर रूम के बारे में सुना होगा, जो अभी रिसेंटली बहुत ट्रेंड हो रहा है। गाइस आई एम सॉरी, एंड आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा अगर गुस्सा हो जाऊं, बट ऑनेस्टली गाइज, दिस इज नॉट डन, दिस इज रियली नॉट डन। बॉयज लॉकर रूम, आई मीन गाइज, आज मुझे पहली बार मुझे गुस्सा आ रहा है। आई एम अ डेलीआइट एंड अ पर्सन हु इज फ्रॉम डेली हैज डन इट। बॉयज बॉयज लॉकर रूम गाइज, दैट इज द ओनली प्लेस जहां आप नहीं हो सकते। कितने सारे लॉकर रूम है यार। गेट इन टू स्पोर्ट्स, गेट इन टू एनीथिंग, क्रिकेट में जाओ, वहां के लॉकर रूम में जाओ। गाइज लॉकर रूम, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बता देता हूँ। गाइस कुछ बच्चे हैं, आई थिंक 17-18 साल के, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बनाया बॉयज लॉकर रूम, एंड दे हैव बीन शेयरिंग न्यूड पिक्चर्स ऑफ गर्ल्स। आई मीन आप लोगों ने एक बार भी सोचा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? एक बार भी? दैट गर्ल कैन कमिट सुसाइड, उसकी फैमिली, उसकी उसकी पूरी लाइफ इज एट स्टेक। एंड ऐसे ऐसे इट हैपेंस लाइक दिस। दिस इज रियली अनोइंग, वेरी अनोइंग गाइज। आई वॉज वेरी शॉक्ड। इट वॉज द वर्स्ट न्यूज एवर, बॉयज लॉकर रूम। और कौन कर रहे हैं ये लोग? 17-18 साल के बच्चे। इन लोगों को आइडिया भी है ये लोग क्या कर रहे हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? एंड आई थिंक अगर इसके अगेंस्ट लोगों ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, विच इज एब्सोल्युटली राइट, दे शुड बी टॉट अ लेसन। दे उनको एक लेसन सिखाना चाहिए यार, कि आप लोग क्या कर रहे हो। लड़कियों की पिक्चर्स को मॉफ करना, किसी और की फोटोज लगा के गंदे कमेंट्स पास करना कि उसका ये देख, इसका ये देख। गाइज दिस इज नॉट कूल, दिस इज नॉट कूल, ट्रस्ट मी इट इज नॉट। एक लड़की उन्हीं के ग्रुप में से किसी ने वो फोटोज लीक करी और उस लड़की को भेजी, एंड दैट गर्ल टुक अ स्टैंड। गाइज आई रियली वॉन्ट, यू नो इट्स लाइक कि उसने इतना बड़ा स्टेप लिया विदाउट थिंकिंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और उसने दुनिया को ये चीज बताई। गाइज दिस इज नॉट डन। मी बींग अ रोल मॉडल, योर फ्रेंड, योर बडी, गाइज ये सही नहीं है। दिस इज नॉट राइट। यू कांट डिसरिस्पेक्ट अ गर्ल। मेरे घर में मेरी मॉम है, मेरी सिस्टर है, मेरी दो नीसेज है। आई एम वरीड फॉर देम, आई एम रियली वरीड फॉर देम कि आगे जाके क्या होगा। आई मीन आई विल बी सो स्केर्ड ऑफ सेंडिंग देम आउट बिकॉज ऑफ दिस शिट व्हाट इज हैपनिंग। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स। नॉट कूल, नॉट कूल एट ऑल। यू कांट डिसरिस्पेक्ट अ गर्ल, यू कांट टॉक रबिश अबाउट अ गर्ल। गाइज आई एम वेरी सीरियस, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। यू कांट डू दैट, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट इज नॉट कूल। कोई लॉकर रूम में जाओ,
डोंट बी अ पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. अपने माइंड को पॉल्यूट होने से बचाओ यार गाइज. आजकल इंटरनेट हर कोई एक्सेस कर सकता है ऐसे, यू कैन जस्ट सी व्हाटएवर यू वांट, बट डूइंग ऑल दिस दैट टू ऑन अ प्लेटफॉर्म, डूइंग ऑल दिस इज वेरी बैड. सेकेंड पॉइंट, गर्ल्स लॉकर रूम. वेलकम टू गर्ल्स लॉकर रूम. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट बॉयज लॉकर रूम बना, उसके बाद गर्ल्स लॉकर रूम बना, गर्ल्स आर डिस्कसिंग थिंग्स अबाउट बॉयज, उसका ये इसका ये, व्हाट ऑल थिंग इज, व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन गाइज. प्लीज डोंट, ये जितने भी लॉकर रूम है, ये सब ग्रुप्स है जो आप ऑनलाइन शेयर करते हो, ये सब चीजें गाइज, गेट अ हैंग ऑफ इट, गेट अ होल्ड ऑफ इट, दिस इज नॉट राइट. प्लीज किसी के बारे में गंदे कमेंट्स करना, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी को डिफेम करना, किसी को बॉडी शेम करना, गाइज दिस इज नॉट राइट. प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि ये सब चीजें छोड़ दो, जो भी ये लोग कर रहे हैं. आई एम श्योर आप, मैं किसी पर्टिकुलरली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, बट गाइज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. प्लीज इफ यू गाइज थिंक दैट आई एम टॉकिंग सेंस, तो प्लीज ये जो मेंटालिटी है इसको चेंज करो. एंड गाइज कम ऑन, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गाइज, कितनी चीजें हैं लाइफ में. अपने आप पे वर्कआउट करो, अपने आप पे काम करो, बिकम समथिंग. यार मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं आया हूँ यहाँ पे, सीरियसली गाइज मैं डिस्टर्ब था, एंड आई एम थैंकफुल टू स्ट्रीमकर कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया that I can talk to you guys. So, guys, this is not done. Lockdown चल रहा है, ठीक है? Why don't you guys work on yourself? Become hot. Come on, मैं workout करता हूँ यार. I get up early in the morning. I have a routine. मैं सुबह उठता हूँ, workout करता हूँ. I try to become fit. I try to work on myself, on my thoughts, on my things. अपने लिए कुछ करो यार. ये सब लॉकर रूम में जाना, लड़कियों के बारे में बोलना, भाई इसकी फोटो देख, इसने ये पहना है, इसने ये पहना है, इसका ये वो, नॉट कूल ब्रो, नॉट कूल, सीरियसली नॉट कूल. आई थिंक अब मैं थोड़ा सा रिलीव्ड हूँ क्योंकि मैंने ये टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करा गाइस. सो टेल मी, आप लोगों को आई मीन आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं या नहीं? प्लीज प्लीज आई वांट टू सी द कमेंट्स नाउ, बिकॉज क्या ये फैमिली से आता है? Yes, I don't know. Okay, that's a very good question. Guys, I think it depends on the upbringing. It really depends on the upbringing because aap kis tarah se aapko brought up kiya jata hai, wo matter karta hai. See, aap log sab jante hai ki main 10 saal se Bombay mein hoon. I have all the liberty in the world. Main jo chahu main wo kar sakta hoon. Anything. I can get into drugs. I can do whatever I want. There is nobody to keep a check. But I don't do it. I genuinely don't do it because यार मैं कुछ बनना चाहता हूँ लाइफ में, मैं कुछ करना चाहता हूँ. अपनी फैमिली को छोड़ के मैं बॉम्बे आया हूँ, मुंबई. तो गाइज मेरी अपब्रिंगिंग काफ़ी अच्छी है, एंड आई थिंक आई फील हैप्पी व्हेन माई मदर, माई सिस्टर, माई बच्चा रिया सिया, माई ब्रदर इन लॉ, दे ऑल से दैट अभिषेक वी आर प्राउड ऑफ यू व्हाटएवर यू डूइंग, एंड दैट मेक्स सेंस टू मी. इट डज. इफ योर पेरेंट्स आर प्राउड फॉर यू, प्राउड ऑफ यू, दैट्स हाउ इट शुड बी, राइट? बट आई थिंक ये अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस चीज़ पे. तो एंड ये जो नेटवर्क का जो एक्सेस है आजकल, लोग जो ऑनलाइन सब कुछ, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, आई थिंक इन सब से बहुत चीज़ें होती हैं. तो या अपब्रिंगिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट. गाइज प्लीज डोंट शेयर योर पिक्चर्स, इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, इट्स अ ट्रैप. प्लीज आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी सेफ, डोंट गेट इन टू ऑल दिस. ये सब बहुत रिस्की हो जाता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों को नहीं पता. हाउ कैन वी स्टॉप इट? ओके, यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ फर्स्ट. आई एम टॉकिंग टू गर्ल्स, आई एम टॉकिंग टू ऑल द गर्ल्स एंड द बॉयज इज वेल, बिकॉज ओके आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टुडे, सिंस हम लोग इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं. गाइज मेरे को भी इंस्टाग्राम पे ऐसी फोटोज आती हैं, कैन यू बिलीव इट? एंड आई एम रिवीलिंग इट राइट हियर राइट नाउ. आई हैव बीन गेटिंग random pictures of random girls showing me whatsoever. I have no idea why do they do that. Why kyun photos bhejte ho aap apni, kya chahte ho aap meri attention by this? Not cool. This is really not cool. And how to stop it? Stop yourself first. Have a control on yourself. Seriously, apne aap ko control karo. ये सब चीजें यार, ये इट इज जस्ट, ये ऐसे खत्म होती है चीजें.
आप किसी को फोटोज भेज रहे हो, वो स्क्रीनशॉट लेके कहीं डाल दे, योर लाइफ इज गॉन. थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, थिंक अबाउट द सोसाइटी यार, लोग आपको देखते हैं क्या बोलेंगे वो लोग. जस्ट थिंक अबाउट इट, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. स्टॉप योर सेल्फ. आप भी मॉडलिंग कैरियर से आते हैं, इज इट फ्रॉम हियर? नहीं गाइस, मैं आई स्टार्टेड माय करियर विद मॉडलिंग एंड आई विल नेवर ब्लेम कि ये मॉडलिंग की उससे होता है. अगर हम लोग कुछ फोटोज खिंचवाते हैं, सी देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन न्यूडिटी एंड क्रिएटिविटी. देयर इज अ वेरी थिन लाइन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. न्यूडिटी इज यू नो व्हाट इट इज, एंड क्रिएटिविटी वो किसी ना किसी तरह जो क्रिएटिव चीजें होती हैं वो दे ट्राई टू हाईलाइट दैट. सो यू शुड हैव अ गुड माइंड. इट शुड बी हियर, क्लीन फ्रॉम हियर. You should have that sight. उसको ठीक से देखो, गलत नजर से मत देखो उन चीजों को. And if somebody is posting it, it's okay, it's their thing. उसको screenshot करके अपने groups में देखना, उनको भाज, उनको groups में डाल देना, उनको photos को morph कर देना. It can happen to you, guys. It can really happen to you. And I request you, stop yourself right away. मैं आपको बोल चुका हूँ इसके consequences बहुत गलत हो सकते हैं. So it's a request. मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ गाइस, मॉडल्स के पिक्स भी लॉकर रूम में जाते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू दे डू दैट यार. ये कौन सा लॉकर रूम है गाइस? वर्क ऑन योर लॉकर. बैंक के लॉकर के, अपने बैंक के लॉकर के लिए काम करो यार. वर्क कमाओ, पैसे कमाओ. वर्क फॉर योर फैमिली, वर्क फॉर फॉर अ गुड लिविंग. कुछ करो. बट ये सारे लॉकर रूम में फोटोज डाल के क्या मिलते हैं? व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट यार? दिस इज सिक मेंटालिटी. This is really sick. Nahi guys, salute mat karo, please. Salute hai sir aapko. I really respect it. But guys, please, jo main bol raha hu, please spread the word. Please, it's a request. No more locker rooms, yaar. Mujhe aisi koi news nahi sunni ki locker room hai aur yaar. Ye mentality kaise aati hai? I don't know, yaar. Ye jo bache log hai na, ye jo 15-16 saal ke bache hai, ye 17 saal ke, I don't know. In logo ko samajh nahi hai. In logo ko pata nahi kya chal raha hai. कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी. इनके पेरेंट्स को नहीं पता. और दिस इज वेरी 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 डिसहार्टनिंग यार, वेरी वेरी सैड. सो गाइस प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप ये सब अवॉइड करो. वर्क ऑन योरसेल्फ यार, कम ऑन. आप लोग अपने पे काम करो. सर प्लीज, लॉकर रूम क्या होता है? राहुल, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा क्या होता है. भाई सारी रामायण खत्म हो गई अब तो. इनफैक्ट कुछ नहीं होता गाइज, छोटी सी चीज़ है कि गाइज, ये सारी जो भी वियर्ड पिक्चर्स हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं, प्लीज़ ये सब यू नो आप लोग सर्कुलेट करना बंद कर दो. आई यू अ मुस्लिम? नो गाइज, आई एम अ पंजाबी. सैल्यूट है सर आपको. दैट्स सो स्वीट यार. गाइज प्लीज स्प्रेड द वर्ड. आई रियली वॉन्टेड टू, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब विद दिस. तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी ये बात सुनी. एंड गाइज प्लीज फॉलो दिस. मैं क्या बोल रहा हूँ, एक काम करते हैं. Let's decide something. From today onwards, we gotta work on ourselves. Promise me, हर एक बंदा अपने ऊपर काम करेगा, अपने thoughts को clean रखेगा. You are home, cook. I love cooking यार. मैं cook बन गया हूँ, मैं भूल गया हूँ, मैं actor हूँ, मैं chef बन गया हूँ भाई. मैं अपना hotel खोलने वाला हूँ. But guys, इन सब चीजों पे ध्यान लगाओ. Be with your family, play with your kids if you have. Do something productive in life. आपकी जैसी सोच हर लड़की की हो. आई वॉन्ट दैट, आई रियली वॉन्ट दैट. सो गाइज, एक वो करते हैं. ऑनवर्ड्स, कैन यू कुक फॉर अस? ओके, दैट्स अ गुड आइडिया. सो ओके, आई थिंक टुमारो, लेट्स कीप इट फॉर टुमारो. टुमारो आई थिंक आई विल कुक समथिंग. आई विल शो यू व्हाट आई ईट. मेरा प्रोटीन आजकल ख़त्म हो गया, वेट लिफ्टिंग के बाद प्रोटीन नहीं पी पा रहा हूँ मैं. तो आई एम गोना शेयर व्हाट यू कॉल इट, रेसिपी. और मैं आपके सामने एक स्मूदी बना के दिखाऊंगा जो मैं आजकल अर्ली मॉर्निंग पीता हूँ. हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. थैंक यू सो मच. आई नो बर्थडे भी आ रहा है. बट हाँ यार, ये वाली जो चीज़ें थी ना, ये लॉकर रूम एंड ऑल दैट, प्लीज़ इससे निकलो बाहर, प्लीज़. ओके, चाइनीज़ बनाओ कुछ. Okay. So guys, what do you want to ask me? Tell me. What else? I will celebrate your birthday.
with my family. That's so sweet, Karishma. That's so sweet, so sweet. आपने डिनर किया नहीं अभी बिल्कुल नहीं किया. I wanted to like you know come online for some time. आप जैसे लड़के दुनिया में है ही नहीं. नहीं नहीं गाइज ऐसा नहीं है. देर आर गुड पीपल एज वेल. ये कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता चलता ये लोग क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं. अभी इनके कॉन्सिक्वेंसेज इनके ये लोगों को पता नहीं है बट आई थिंक दे'ल कम टू नो कि ये लोग क्या कर रहे हैं. ये गलत है. प्लीज टिकटॉक पर लाइव आइए. डेफिनेटली मैं लाइव आऊंगा गाइज. आई एम गोना कम लाइव ऑन टिकटॉक एज वेल. सो गाइज यू टेल मी अब आप लोगों को मुझसे क्या पूछना है बिकॉज आई थिंक ये अपब्रिंगिंग और ये सब चीजें तो मैंने डिस्कस कर ली है. यहाँ पर Are females too responsible? Yes. Yes, even they are responsible. And I wouldn't say sari ladkiya, but there are few people who are responsible and who are doing all this. I don't know for what. What do they want? Attention. By this is not cool. Not cool at all. So, guys. सोच बदलने की बात है. आई थिंक यू हैव टू यू नो जस्ट चेंज योर मेंटालिटी. सियारिया कैसी है? सोनिया सियारिया बहुत अच्छी है और मैं मिल नहीं पा रहा हूँ यार उनसे. बस ये प्रॉब्लम है. बट आई टॉक टू देम रेगुलरली. दे आर वेरी स्वीट. दे हैव ग्रोन अप. सर जैसे कि सर हमें टेंशन होता है उसका क्या करें? व्हाट टेंशन? If you can help me in modeling, guys, what is this? मैं TikTok पे थोड़े time बाद live आऊँगा, guys. Come on, come on, come up with the questions, come on. Auditions कैसे देते हैं, guys? Bombay जाना पड़ता है, उसके लिए auditions देने पड़ते हैं. You have to stay in Bombay, तो थोड़ा सा tedious तो होता है. Insta पे please reply करो ना, okay? So, guys, something else you want to talk? Please tell me. So, मैं आज बहुत interesting topics लेकर आया हूँ आपके पास. So now you tell me, what do you want me to talk about? आप खूबसूरत टीवी पर हो. दैट वॉज माई सेकेंड शो दिल की नजर से खूबसूरत फॉर सोनी. लड़कियां कैसे पटाएं? यार मैंने अभी बताया लड़कियां कैसे पटानी है. अभी मैंने आप लोगों को बताया था. बहुत सिंपल है. डोंट बी अ पायलॉन. बी योरसेल्फ. बी कूल. कुछ और टिप्स. ओके अगर आपको कुछ और टिप्स चाहिए. देखो ये ना ये कुछ फंडा मुझे समझ नहीं आता स्ट्रीम कर का. दे वॉन्ट मी लाइव टुमारो एज वेल बट इफ यू गाइज वॉन्ट मी टू कम क्वाइट ऑफन. सो यहाँ पर कुछ होता है कुछ गिफ्ट्स एंड ऑल्सो. आई डोंट नो गाइज आप लोग जो मुझे मैसेज कहा राइट दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. मुझे हाय डेलास हाउ आर यू? आई एम सो हैप्पी यू आर हियर. हाय डेलास. ओके सो लॉट ऑफ फ्रेंड्स आर हियर. माय फ्रेंड्स डेलास. देन सुहानी इज ऑल्सो हियर. हाय सुहानी. सो हाँ गिफ्ट्स गाइज मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए आप लोगों से सीरियसली. बट अगर गिफ्ट देने हैं तो ऑल यू कैन डू इज अगर आपको गिफ्ट देने हैं तो आप मुझे गिफ्ट यहां पर दे सकते हैं विच इज दिस स्ट्रीमकर ऐप. यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं जहां पर आप मुझे गिफ्ट दे सकते हैं सो दैट दीज पीपल अलाउ मी टू कम अगेन टू इंट्रैक्ट मोर विद यू. अभी एक विवाह सीरियल. या आई मिस इट टू यार. How to give gifts? Delas, come on. What you can... Listen, Delas, I know you can't meet me right now. So all you can do is just give me some gifts here that make sense to me. Yahan wale gifts mere paas pahunch bhi jayenge. Jo aap waise bhejoge. Milne bhi ko. What is this? So guys, Delas, you can gift me here whatever you want. Because yahan se directly mere paas aajayega. Ek viva aisa bhi. Read my question. What is this? अभी आई मिस यू. ऑल सो स्वीट. आई रियली मिस रोहन.